कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों का और हरियाणा के उच्च सीनियर मैच में प्रदर्शन कर सके। गर्ल सेक्शन काफी देर से हम अनाउंस कर रहे हैं, ऑफिशियल से मेरा अनुरोध है वो दोनों टीमों को ग्राउंड पर बुलाएं और मैच स्टार्ट कराएं। पानीपत वर्सेस रेवाड़ी इन गर्ल सेक्शन, और थोड़ा सा गर्ल सेक्शन में चेंज है, कुरुक्षेत्रा वर्सेस गुरुग्राम का जो मैच था वो नहीं होगा भी। कैथल वर्सेस तरखी दादरे इन गर्ल सेक्शन, कैथल वर्सेस तरखी दादरे इन गर्ल सेक्शन, ये दोनों टीमें तैयार होकर रिपोर्ट करें। पानीपत गर्ल्स टीम, पानीपत गर्ल्स टीम, हम काफी देर से आपको अनाउंस कर रहे हैं, पानीपत गर्ल्स टीम ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। हमारे मेहमान जो आए हैं एसएसबी की टीम के टीम कोच मैनेजर जो भी है वो एक बार स्टेज के पास आ जाए। टीम कोच मैनेजर एसएसबी की जो टीम आई है उसके टीम कोच या मैनेजर एसएसबी टीम या कोई खिलाड़ी वो आ रहे हैं। पानीपत रिपोर्ट करिए ग्राउंड पे, ग्राउंड पे रिपोर्ट करिए आप। वो देखो थोड़ा टीम खराब ना करो, दोनों टीमें ग्राउंड पे रिपोर्ट करें आप सेकंड ग्राउंड पे। आपसे काफी बार कह दिया जो कुर्सियों पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बैठेगा, फिर पेल के लिए ये कुर्सियां खाली कर दिया ग्राउंड के दोनों जी, दोनों ग्राउंडों की कुर्सियां खाली होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बैठ पाया, कौंसिल की ड्यूटी है। जो लड़कियां बीच में ग्राउंड पे बैठे तो लड़कियां बीच में ग्राउंड पे नहीं बैठेगी, बाहर से भी दोनों मैच के बीच में कोई गर्ल्स या बॉय नहीं बैठेगा और कोई भी लड़का एक्स्ट्रा कुर्सी में नीचे बैठेगा। ऑफिशियल आपका क्या काम है? अपने जितने वाले के हैं एक बार मेरे पास आगे वाले
पानीपत गर्ल टीम भाई, ये आपको कम से कम आते घंटे से पानीपत गर्ल्स का अनाउंस कर रहे हैं। ऑफिशियल से मेरा अनुरोध, अगर एक मिनट में ग्राउंड की टीम नहीं आती है तो वो कॉल दे दो। पानीपत कत्थल वर्षित दादरी शहर अमित गर्ल्स के लिए पानीपत मैनेजर चलो पकड़ो मेरी पानीपत टीम।